है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं गाली देना है मुंह पे दूंगा मैं पीठ पीछे नहीं दूंगा। और मेरा परसेप्शन जब किसी के प्रति अगर अच्छा है तो अच्छा है। मैंने आज भी मैं कहता हूँ कि जो भी है लाइक प्रतीक देवलीना डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपने रियल लाइफ में भी देखता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि उसके अपार्ट कोई ऐसा बंदा है जिसे बिग बॉस में मैं मिला, और दे आर लाइक इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो, मेरे लिए वो नाटक नहीं है। मेरे लिए रश्मि से कभी भी मेरा बना नहीं, इवन आउटसाइड ऑल्सो, तो मेरे लिए वो कभी भी मैटर नहीं करता। मेरे लिए रश्मि का कहीं से भी कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे बिग बॉस की टीम से मुझे लगता है कि एक्सेप्ट रश्मि मैं सबसे टच में हूँ, बट यस रश्मि से मेरा कोई कनेक्शन और कभी तालमेल ही नहीं बना, तो आज भी वो है, मेरे लिए कोई दिखावा नहीं है। इनफैक्ट हम लोग शमिता के बर्थडे में भी मिले थे, बट जस्ट फॉर्मल टॉक, वो पर्सनल टॉक तो हो नहीं पाया, या मीन्स मैं उतना क्लोज नहीं हो पाता, मेरे लिए दिखावा करना बहुत मुश्किल है। मैं जो हूँ वही बोल सकता हूँ, तो उसने भी मुझे इग्नोर किया, मैंने भी उसको इग्नोर किया। फिर बाद में उसने कहा कि सॉरी मैं थोड़ा बिजी थी, मैं देखी नहीं, बोला कोई बात नहीं। फिर उसने कहा कि आपने भी मुझे इग्नोर किया, मैं बोला हाँ क्योंकि मेरे साथ सिंपल फंडा है, आप कोई भी हो, आप मुझे इग्नोर करोगे मैं इग्नोर करूँगा, आप कोई भी हो, आप किसी स्टैंडर्ड के हो, अगर आप मुझे वेलकम करोगे डेफिनेटली मैं कहीं भी रहूँगा आपको वेलकम। दिस इज हाउ लाइक वी यूज्ड टू, आई मीन मैं मेरे लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं है और कोई आम इंसान नहीं है, सभी इक्वल है। सेलिब्रिटी दे आर डूइंग देयर जॉब एंड आई एम डूइंग माय जॉब। मुझे नहीं लगता कि कोई सेलिब्रिटी में बाहर निकले हुए हैं या कुछ भी, तो मेरे लिए सभी इक्वल हैं और मैं अपने को भी इक्वल मानता हूँ और सबको इक्वल। ओके गाइस आई हैव टू गो, चलिए अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।